अब 24 स्टार प्राइड क्लब लेकर आ रहा है रंगीला सावन, एक अनोखे अंदाज में अनोखा रंगारंग महिलाओं के साथ बच्चों के संग। रंगीला सावन इवेंट में महिलाओं के लिए है ग्रीन क्वीन प्रतियोगिता, साथ ही पूजा थाली सजावट प्रतियोगिता, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, किड्स डांस प्रतियोगिता, साथ ही फूड स्टॉल, क्लॉथ स्टॉल के साथ अन्य कैटेगरी के स्टॉल की सुविधाएं भी, वो भी सिर्फ 500 से 250 जैसी मिनिमम प्रवेश शुल्क पर। तो अब इस अनोखे रंगारंग रंगीला सावन प्रतियोगिता में सहभाग लेने के लिए तुरंत संपर्क करें 8668234669 पर। रंगीला सावन का आगाज होगा 27 अगस्त 2023 को साई वाटिका, वेस्ट हाईकोर्ट रोड, ईस्ट शंकर नगर, नागपुर। समय दोपहर 1 से लेकर रात 10 बजे तक। तुरंत संपर्क करें 8668234669 पर। रंगीला सावन की प्रस्तुति के सहयोगी पार्टनर हैं डॉक्टर रेचा यूनिक क्लिनिक, श्री मोहिनी हाइपर बैरिक ऑक्सीजन क्लिनिक, निराली कुकरी एंड बेकरी इंस्टीट्यूट, मीडिया पार्टनर NBCN न्यूज के साथ शते लागू। सावन का महीना है और इसने कोई मस्ती का धमाका नहीं किया तो क्या किया, इसलिए एंजल लेडीज क्लब और 24 स्टार प्राइड क्लब आपके लिए लेकर आ रहा है रंगीला सावन, एक अनोखे अंदाज में अनोखा रंगारंग कार्यक्रम, वो भी महिलाओं और बच्चों के संग। रंगीला सावन कार्यक्रम जो अपने नाम से ही उत्सुकता और मनोरंजन के रंग भरे हुए है। क्या क्या है इवेंट और क्या क्या मजे लेकर आया है ये रंगीला सावन महोत्सव इवेंट, तो जानेंगे इस इवेंट से जुड़ी हर एक बात आज के इस खास मुलाकात में, जिसके बारे में हमें बताएंगी रंगीला सावन इवेंट की ऑर्गेनाइजर यानी आयोजक एंजल लेडीज क्लब की ओर से सविता असावा मैम, जो अभी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सविता मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब ये जो नाम है इस इवेंट का, इतना मनोरंजक भरा, इतना उत्सुकता दे रहा है, तो इसलिए हम दर्शकों के लिए सीधा मैम को ही लेकर आ गए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजर मैम। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि रंगीला सावन महोत्सव इस इवेंट में क्या क्या धमाके हैं और क्या क्या परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है ये इवेंट। सबसे पहले नागपुर के लिए कुछ नया धमाका है, सावन सेलिब्रेशन किसको पसंद नहीं है, औरतें हैं तो सजना सवरना, तो उन्हीं के लिए अपन काम करते हैं। लेडीज क्लब है तो अपन ऑलमोस्ट लेडीज को कैसे खुद को रिप्रेजेंट करा सकती, वो इसका अपन पहले ध्यान रखा जाता है। लेडीज आ गई तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, मैम हम तो आ रहे हैं फिर बच्चों का क्या है, तो इसकी वजह से फिर अपन बच्चों के लिए भी एक्साइटमेंट रखा। फिर बच्चे आ गए, संडे का दिन है, हस्बैंड कहाँ जाएंगे मैम, तो हस्बैंड के लिए भी रखा है, मतलब ये पूरा फैमिली सावन रखा है अपन ने। इस बार पहला कॉन्सेप्ट ऐसा रखा है कि अपन ने इसमें ग्रीन क्वीन रखा है, जो ग्रीन क्वीन जो है ना इस बार कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ है, जो अपने इंडिया में चल रहा है वसुधैव कुटुंबकम, तो इसका कॉन्सेप्ट भी सेम वही रखा है कि जो ग्रीन क्वीन है ना उसको हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करना है। उसके पीछे का रीजन भी ऐसा है कि अगर मैं कोई थीम रखती हूँ, महाराष्ट्रियन करो, पंजाबी करो, मद्रासी करो, हिंदी करो, तो कोई लेडीज के पास वो क्वेश्चन रहता है नहीं रहता है, फिर वो कहते हैं मैम हम तो है नहीं उस कास्ट के, तो हम कहाँ से लाएंगे वो क्वेश्चन। तो इसकी वजह से अपन ने सोल्यूशन निकाला कि आप हर एक स्टेट के क्वीन ले सकते, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई सिंधी है, हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कीजिए और खुद एंजॉय कीजिए। और सेकंड थिंग रखा है बच्चों के लिए डांस कंपटीशन, उसमें बच्चों के लिए एज एक ही रखा है क्योंकि टाइम एक दिन में इतना सब कवरिंग करना है, इसलिए अपन ने 5 साल से 13 साल के बच्चों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसमें बच्चों को डांस कंपटीशन है, उसमें कैश प्राइज रखा है अपन ने बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को भी एक एक्साइटमेंट रहती है, मम्मा हमको कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, ट्रॉफी भी मिलती है, गिफ्ट सर्टिफिकेट भी मिलता है, पर इस बार अपन ने कैश प्राइज भी रखा है। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी रखा है, जो छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल वो डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर पेरेंट्स को लगता है कि हम उनके लिए कुछ करें, तो अपन ने उनके लिए भी डांस कॉम्पिटिशन के साथ में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा है। और सबसे एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऐसा रखा अपन ने कि कोई लेडीज ऐसी है जिनको डांस में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिनको फैशन में इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिनको और, पर उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रहती है, तो अपन ने उनकी क्रिएटिविटी को ध्यान में रख के उनके लिए पूजा थाली कॉम्पिटिशन रखा है, ताकि आप भी आइए और प्रोग्राम को भी इंजॉय कीजिए। और इन सबकी फीस नॉमिनल फीस रखी है, पूजा थाली 250 रुपीज, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और डांस कॉम्पिटिशन 500 रुपीज, ग्रीन क्वीन के भी 500 रुपीज। इसके अलावा अपन ने एक एक्साइटमेंट और रखा है, वहां पे फूड स्टॉल, ऑल ओवर टाइप के
स्टॉल रखे, राखी आ रही है, कुछ लेडीज ऐसी महिला मेरी जो चाहती है कि हम हमारा बिजनेस प्रमोट करें, तो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो राखी का जो सीजन है, 4 दिन पहले 4 दिन बाद राखी है, तो राखी को भी वो लोग अपना बिजनेस कर सकती है, जो भी चीजें सेल करती है गिफ्ट्स के लिए, बहुत सारे आर्टिकल एक ही छत के नीचे सब लोगों को मिलेंगे, तो ये अपना मेन कॉन्सेप्ट है। भागीदार इस कार्यक्रम की हर एक बात अभी हमने मैम से जानी। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस तरह के आयोजन के जो आइडिया आता है वो कहाँ से आता है? आप भी एक महिला है और महिलाओं के लिए इतने खास रंगीले कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है आप, तो हर बार इस तरह के आइडियाज किस तरह से क्या आपको मोटिवेट करता है जो आप इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन हमेशा से करते रहती है? एक्चुअली मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे खुद को सजने संवरने का शौक है, तो मुझे चाहता है कि मैं जो कर रही हूँ वो और लेडीज क्यों नहीं करे वो सब चीजें, जबकि लेडीज के पास वो सारी क्रिएटिविटी रहती है, कुछ फैमिली में बिजी हो जाती है, कुछ अपने घर के इसमें रहती है। और मेरी खासियत है, मैं हर बार इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, संडे के दिन करती हूँ। उसके पीछे का रीजन क्या रहता है पता? जो फैमिली वाली लेडीज है वो हस्बैंड के पास बच्चों को छोड़ेगी, आज हमारा दिन है, हम भी संडे इंजॉय करेंगे। जो वर्किंग लेडीज है वो भी चाहती है कि हम फ्री, हमें भी एक रिफ्रेशमेंट चाहिए ना वीकली, तो अपन के लिए। और लेडीज के लिए कुछ भी करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही है कि लेडीज को कुछ दे अपन। तो इस कार्यक्रम में ना बहुत से जो मनोरंजन भरे कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन इसमें किया गया है, जैसे काफी सारी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे मैम ने ग्रीन थीम बताया वो भी है, बच्चों के लिए किड्स डांस प्रतियोगिता है, फूड स्टॉल और क्लॉथिंग स्टॉल भी है, अलग अलग कैटेगरीज में काफी सारी सुविधाएं रखी गई है। तो मैम, इसका आयोजन 27 अगस्त को किया गया है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है और लोग कैसे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उस बारे में क्या बताएंगे आप? ये 27 अगस्त को शंकर नगर में साई वाटिका लॉन है, जो एग्जैक्ट शंकर नगर ईस्ट में ही है, साई वाटिका लॉन काफी बड़ा लॉन है, तो वहां पे अपन ने किया है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फोन नंबर अपने इसमें दिया गया है, और इसके में सबसे ज्यादा एक मुझे एक हेल्पिंग हैंड रिचा जैन मैम, शायद वो अभी आ नहीं पाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मिस कर रही हूँ मैं उनको। तो उस 24 प्राइड क्लब की वो डायरेक्टर है, और ये एंजल लेडीज क्लब और 24 प्राइड क्लब, इन दोनों का कोलैब वाला ये इवेंट है, तो किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, उसमें कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको। तो एंजल लेडीज क्लब और 24 प्राइड क्लब, जिसकी संस्थापक रिचा जैन जी, जो अभी हमारे साथ उपस्थित नहीं है, बट वो भी इसमें सहयोग कर रही है, और इन दोनों ही लेडीज के तत्वाधान से इस रंगारंग कार्यक्रम सावन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो जो भी महिलाएं गृहिणी जो घर पर हमें देख रही है, एक मैम का आइडियल है कि मैम जो सच्ची समझती है उसी तरह हर एक लेडीज अपने आप को सुंदर और भी दिखाए और अपने आप को इसी तरह के कार्यक्रम में लेकर एक समाज में निखर कराए, तो जरूर आप इस कार्यक्रम में सहभाग ले और इसका लुत्फ उठाए अपने बच्चों के साथ। तो मैम, एक जो है इस कार्यक्रम में आने के लिए आप जो लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगी तो जरूर आप दे। देखिए, हार जीत क्या होती मुझे पता नहीं है, पर जब तक हम कोशिश ही नहीं करते हैं, बाहर ही नहीं निकलते खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब तक हम किसी को बता ही नहीं सकते कि हम क्या है। दुनिया देखती है कि अपन कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लेडीज पार्टिसिपेट करें, बच्चों को एक अच्छा स्टेज पर, मतलब एक स्टेज डेयरिंग के लिए परफॉर्मेंस दे। बच्चा जीते नहीं जीते वो पार्ट बहुत अलग है, बट उसको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हाँ, हम इतने सारे लोगों में पार्टिसिपेट, नियर अबाउट 500 से ज्यादा अपन फुटफॉल दे रहे हैं पे, तो इतने सारे बच्चों के सामने, लोगों के सामने अपने खुद को भी एक कॉन्फिडेंट लेवल आ जाता है, हाँ हम कर सकते हैं यार, हमारे में भी बहुत कुछ टैलेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जन पार्टिसिपेट करें, प्रोग्राम को एंजॉय करिए, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ पार्टिसिपेशन से अपन एंट्री चार्जेस ले रहे, बाकी सबके लिए एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। महिलाओं के लिए उभर के सामने आने के लिए मैम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो मनोरंजन के साथ प्रदान कर रही है, तो जरूर रंगीला सावन महोत्सव में आप सभी पार्टिसिपेट करें अपने बच्चों के साथ और देखने कार्यक्रम को जरूर आए, क्योंकि रंगीला सावन महोत्सव नाम में ही रंगीला है, तो फिर इसके रंग कितने ही होंगे। तो जरूर पार्टिसिपेट करिए और देखिए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी हमारे साथ सविता असावा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमें उम्मीद है कि आगे चलकर भी महिलाओं
युवाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसे और भी कार्यक्रम का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन आपके द्वारा होते रहेगा। तो ये थी हमारे साथ स्टूडियो में सविता असावा मैम, उनका एक बार फिर से धन्यवाद। और बाकी के लिए देखते रहिए आप NBC News। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही, नमस्कार। थैंक यू।